सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आज आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है इंदौर का फ्लाईओवर, जो कि हम राइट में जाते तो इंदौर शहर के लिए चले जाएंगे। आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं दोस्तों, इंदौर से लेकर और इच्छापुर हाईवे, जो 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, उस पर क्या क्या काम चल रहा है, क्या कम्प्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत के चैनल पर। दोस्तों, अभी तेजी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, जिसके फ्लाईओवर, अंडरपास सभी बनाए जा रहे हैं। तो चलेंगे इच्छापुर होते हुए और आप लोगों को दिखाएंगे चल के। ये जाएगा सीधा खंडवा निकल जाएगा दोस्तों। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि ओमकारेश्वर इसी रूट पर पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आरी पैनल लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों बहुत सारे, और इस पर अर्थ वर्क का काम किया जा रहा है। और उधर आप लोगों को बता दूँ कि जो इसका फ्लाईओवर का हिस्सा है वो भी बनाया जा रहा है, यानी कि अंडरपास, तो वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहो के पी संत के चैनल पर। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के पी संत के चैनल पर देखते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइडों में ये पिलर उठाकर और इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों अंडरपास का। एक साइड का तो ये बन चुका है, दूसरी साइड का भी ये बनाया जाएगा, और इस पर भी अभी क्या गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग, सेटरिंग लगी हुई है, फ्लोर वर्क डाला जा रहा है दोस्तों, फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और इधर देखो आरी पैनल को लगाया जा रहा है, और उसके बाद में अर्थ वर्क में यानी कि मिट्टी को डाला जा रहा है। मिट्टी डालने के बाद में इसमें एक सार करेंगे, कंपोजर लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो काफ़ी सारा काम है दोस्तों, क्योंकि कंपोजर और बॉल बेल्ट इसीलिए लगाई जाती है कि ये आरी पैनल बाहर ना आ जाए वजन की वजह से। इसी वजह से बेल्ट का सहारा लिया जाता है, बेल्ट को लगाया जाता है, और कंपोजर इसलिए लगाया जाता है साइडों से इस आरी पैनल के बगल में, कि ताकि पानी इसके अंदर ना घुस सके। और पानी घुसता तो आप लोगों को बताइए कि रोड बैठेगी तो क्या होगा फिर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या कंपोजर और बेल्ट को लगाया जाता है दोस्तों, आरी पैनल को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को, बस बने रहो एंड तक इस वीडियो के। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। काफ़ी बड़ा लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। आने वाले टाइम में भाई साहब, अभी जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाना है दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि उज्जैन से लेकर और ओमकारेश्वर जाने वालों के लिए भाई साहब बहुत ही आसानी भरा ये रास्ता हो जाएगा, क्योंकि 2-3 टनल भी बनाई जा रही हैं आगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रोरी बजरी की लेयर डाल दी है इन्होंने, इसको एक सार करने के बाद में इस पर फिर ब्लैक टॉप किया जाएगा। तो अभी यही काम चल रहा है दोस्तों, लेकिन हमें उतरने की अनुमति नहीं थी, तो मैंने गाड़ी से ही आप सभी को दिखाया है। तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। जिधर जिधर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उधर देखो आरी पैनल वो चमक रहे होंगे आप सभी को, वो सामने मेरे राइट हैंड पे वो आरी पैनल रखे हुए लगाए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, यानी कि अंडरपास। तो ये देख लो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और यहाँ पर ये साइडों से ये ड्रेनेज बन चुका है, देखो ये ड्रेनेज बन गया है, जो आप लोगों को मिट्टी दिखाई देगी यहाँ पर, इस जगह पे वो पूरे में ही ये बना दिया जा चुका है दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तेजी के साथ हाईवे बनाया जा रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार बनवा रही है इसको। तो आप लोगों को बता दूं, देखो NHI का काम है ये, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बनवा रही है, MP सरकार, जो कि भजन लाल शर्मा है, नहीं दूसरा है कोई यादव, वो बनवा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये काम चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी जनता को दिखाया जाए और बताया भी जाए कि किस तरीके से यहाँ पर इंदौर इच्छापुर हाईवे को बनाया जा रहा है। पहले ये सिंगल रोड हुआ करती थी, अब ये 4 लेन हाईवे बन जाएगा। दोस्तों आने वाले टाइम में भाई साहब फर्राटा भरेंगी गाड़ियाँ। अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है। देखो यहाँ पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है, अंडरपास का तो सारा काम हो चुका है कंप्लीट। बस इसमें अब साइडों से आरी पैनल को लगाने के बाद में और बस इसके रैंप को बनाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और रैंप को स्टार्ट बन जाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है सारा काम कंप्लीट ही हो जाता है। तो एक साइड का रैंप बनाया जा रहा है, दूसरी साइड अभी बनाया जाएगा उस साइड का। इस साइड का तो देखो बन रहा है, आरी पैनल को लगा दिया जा चुका है, अर्थ वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है, यही काम चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फैमिली को दिखाया जाए। दोस्तों काफ़ी दिनों में अपडेट ला पाता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैं गया था उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने, और आप लोगों को भी दर्शन करने के लिए मिलेंगे क्योंकि सारे अपडेट अभी मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस चक्कर में मैंने कोई अपडेट नहीं डाल पाया हूँ। एक अपडेट डाला था दोस्तों उज्जैन से और इंदौर के बीच में जो नेशनल हाईवे बनाया गया है उस पर भी अभी अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो उसका मैंने अपडेट आप लोगों को कुछ दिन पहले दिया था, 3-4 दिन पहले ही। तो आप लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही मैं अपडेट आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप लोग इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अभी यहाँ से ये हाईवे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये कर्व ले लेता है, और कर्व ले लेता है किधर, ये राइट में कर्व ले लेता है और हम चलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ना क्या पहाड़ी इलाका है, तो उतरते हुए भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं और चल के आप सभी को आगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम को किया जा रहा है। देखो ये आ चुका है क्या पहाड़, और पहाड़ से ये नीचे उतर रहा है दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए, और ये इच्छापुर होते हैं और सीधा ये चला जाएगा खंडवा के लिए। तो यही 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है, ये पुराना है बना हुआ, और ये अभी हम चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ नीचे से उतर रहा है, हम नीचे उतर रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे देख सकते हो। यहाँ पर ये गाड़ियाँ उतरती हुई आप लोगों को नज़र आ भी रही होंगी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों आप लोग देखो, इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। देखो आप सभी हमने हाईवे को कहाँ छोड़ा, तब देखो हाईवे आके यहाँ पर निकला आके देख सकते हो। यहाँ पर ये थोड़ी सी कैनाल है, मतलब नाला टाइप का है, तो यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो। ये साइड के पैराफिट वॉल बनाए जा रहे हैं। और अभी आप लोगों को बता दो कि इसमें ये पैराफिट वॉल लगाए जा रहे हैं। देखो ये आ चुका है हाईवे, तो किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि एम पी सरकार के पास रोरी बजरी की तो कोई ही कमी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके से ये रोरी बजरी को ले लेके आ रहे हैं। तो वहीं पर ये काम किया जा रहा है और 4 लेन हाईवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा हाईवे बनने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हाईवे बनके कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। पहाड़ों के अंदर से होके गुजरेगा, जो कि बीच में टनल भी आ रही हैं 2-3, तो वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को दोबारा इसका अपडेट लाने की कोशिश करूंगा, मैं दिखाऊंगा आप सभी को। देखो ये निकल जाता, हम इधर आ जाते हैं और ये सीधा निकल जाता है, तो वहीं पर मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इंदौर टू इच्छापुर हाईवे को बनाने का जो काम है वो चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पर आके हम निकले हैं और यहाँ से ये हाईवे जा रहा है घूमता हुआ। जो पुराना रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, जब ये हाईवे बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी टनल भी बनाई जा रही है, तो टनल बनाने में भी टाइम लगेगा दोस्तों। देखो रोरी बजरी ये लेयर डाल दी है इन्होंने, अभी हम नीचे चल रहे हैं सर्विस रेल पर, इसके ऊपर की लेन बनाई जा रही है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव हो तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इंदौर इच्छापुर हाईवे से रिलेटेड 4 लेन हाईवे है, काफ़ी लंबा चौड़ा हाईवे बनाया जा रहा है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट दिया जाए, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के पी संत के चैनल पर आप लोगों को पर डे वीडियोस मिलते रहें। एन पी में रहता हूँ तब भी आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, बाहर जाता हूँ तब भी मैं आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम आ चुके हैं दोस्तों 4 लेन हाईवे पर। अभी देखो लेनें बनाई जा रही हैं, अर्थवर्क का काम चल रहा है दोस्तों, यानी कि रोरी बजरी की लेयर डाल दी है इन्होंने। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को क्या धूल मिट्टी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। देखो सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी है। ये बीच का डिवाइडर है, उधर भी रोड बनाई जा रही है, इधर भी एक साइड की तो बन चुकी है। अभी DBM का काम हो चुका है, तो यही काम चल रहा है, बाकी तो ज़्यादा काम नहीं चल रहा है, लेकिन काम भी स्लो चल रहा है थोड़ा, बस इतना तो मुझे पता है। देखो ये सारा भाई साहब इन्होंने DBM की लेयर कर दी, अब इसका फाइनल लेयर का अभी काम किया जाएगा। यहाँ पर सारे में रोरी बजरी पड़ी हुई है, और भाई साहब अगर थोड़ी सी भी गाड़ी अगर टच हो जाए तो सीधी जाकर घुसेगी, क्योंकि रुकने वाली तो है नहीं, क्योंकि फिसलती हुई चली जाएगी तो आगे वाली गाड़ी में घुस जाएगी, इतना इसमें है। देखो आप लोग एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस जगह पर दोस्तों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। टोल प्लाजा की देखो बिल्डिंग भी वो थोड़ी सी बन चुकी है। और ये आप लोगों को बता दूं कि रिजिड पेमेंट से यहाँ पर ये टोल प्लाजा को बनाया जा रहा है दोस्तों। और देखो बिल्डिंग को ये तैयार किया जा रहा है टोल प्लाजा की, तो काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। और ये रिजिड पेमेंट से ही टोल प्लाजा बनाया जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट की रोड बनाई जा रही है टोल प्लाजा के लिए। तो यही काम चल रहा है यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन पर जा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि पियर कैप बन चुके हैं। पियर कैप के साथ में पियर बन के देखो कंप्लीट हो चुके हैं, पियर कैप का काम भी कर दिया जा चुका है। अब इन पे क्या गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इस पे दोनों साइडों के रैंप बनाने का काम किया जाएगा। अभी रैंप नहीं बनाए जा रहे हैं, और रैंप भी बन के जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आ चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए हम जाएंगे अंदर से, तो ये गेट आ चुका है। यहाँ पर हाईवे दूसरी साइड में निकल चुका है, हम आ चुके हैं दूसरी साइड में दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत लाता रहता है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ओमकारेश्वर की भी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा भक्तों का श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा जाम जूम का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी लंबा चौड़ा भाई साहब क्या ही बताऊं। और एक चीज़ और देखो, नर्मदा रिवर के ऊपर दोस्तों क्या बांध भी बना हुआ है, और पानी बहुत कम फ्लो होता है क्योंकि बांध है ना, इस वजह से। तो कैसी लगी ये वीडियो, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सब।